मैं उन सभी को नमन करना चाहूंगा और मैं आपसे ये विचार मेरे व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बार बार जहां पर भी जाता हूं तो मुझे अधिकतर जो चीजें देखने को मिलती है, चाहे अलग अलग महाविद्यालय में हम जाते हैं, चाहे खेल के विषय में बात करने जाए या फिर पढ़ाई के माहौल के, तो मैं वहां पर एक चीज देखता हूं कि जो माता पिता होते हैं तो वो क्या करते हैं, हर बच्चे को एक ही चीज सिखाने में लगे रहते हैं कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपका काम है पढ़ाई, यानी कि पढ़ाई नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि यदि आप पढ़ाई में कमजोर है तो आपके सामने अलग अलग रास्ते हैं, आप खेल में अपना भविष्य बना सकते हैं, आप खेल सकते हैं। यदि कोई भी छात्र है या छात्रा है, आप पढ़ाई में सक्षम नहीं है, कोई बात नहीं है, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हो सकते हैं। यदि आप मजबूत है तो आप उसके तौर पर, आप अभी सुनते हैं देखते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके पास, आप ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख कर हम नौकरी लग जाएंगे और हमारी इज्जत है और हमको थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे, यही हर व्यक्ति का यही सोच रहती है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप खिलाड़ी बनते हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर मैं बात करना चाहता हूँ कि यदि आप खिलाड़ी हैं तो आपको धन दौलत के साथ में आपको इज्जत भी मिलेगी, और इज्जत के साथ में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण और आपके जीवन के अंदर जो भूमिका निभाते हैं उसमें आपका शरीर होता है। यदि आपका जो शरीर है वो आपका सुरक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप किसी भी कार्य में, चाहे आपका शरीर सही नहीं है, अस्वस्थ ना आप, तो ना तो आप पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही आप खेल पाएंगे, ना कोई सा भी काम आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप खेलते हैं तो आप क्या होगा, आपका जो शारीरिक विकास होगा उससे आप हर कार्य को सफल बनाने में, अपने जो अच्छा भविष्य है उसे बनाने में आप अच्छा योगदान दे सकते हैं। मुझे, मैं जब संस्कृत हम यहाँ पे पढ़ते थे, भागीरथी में पढ़ाते थे, तो हमें एक श्लोक था संस्कृत का, वो मुझे काफ़ी अच्छा प्रभावित करता है, विद्यार्थी के 5 लक्षणों वाला, कि काक चेष्टो बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथेव च, अल्प निंद्रा ग्रह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम, कि ये विद्यार्थी के 5 लक्षण में बताए गए हैं कि काक चेष्टो, यानी कि जिस, जो आप देखते हैं कौवा, तो उसकी एक लालसा रहती है हमेशा, वो कुछ ना कुछ उसे चाहिए। जैसे आप कोई भी, आप खाना बाहर रखते हैं तो जो कौवा होता है उसकी नज़र सिर्फ उस पर रहती है, और वो जैसे ये सोचता है कि जैसे ये मालिक इसे हटे यहाँ से तो मैं उस पर हमला करूँ, और वो अपना काम पूरा करता है। काक चेष्टो, उसकी ये लालसा रहती है। बको ध्यानम, आप सभी जानते हैं बगुला कैसा होता है, आप जब खेतों के अंदर पानी वानी पिलाते हैं वहाँ पे आपको बगुला जरूर मिलता है, तो उसकी देखना छोटा सा बिल होगा। काक चेष्टो बको ध्यान, उसका जो ध्यान है वो इतना परफेक्ट रहता है कि वो अपना जो लक्ष्य है उसके ऊपर वो हमला करने में सक्षम हो पाता है, और अपना जो लक्ष्य वो चुनता है कि मुझे उस जानवर पर हमला करना है, अपना शिकार बनाना है, तो उसको पाकर रहता है। श्वान निंद्रा, आप जो कुत्ता जानते हैं वो काफ़ी वफादार होता है, सभी जानते हैं कि काक चेष्टो बको ध्यानम श्वान निंद्रा, आप कभी कुत्ता सो रहा है तो आप उसके एक बार उससे छेड़खानी करेंगे तो आपको पता लग जाता है कि जो कुत्ता होता है वो सोने के बाद में भी कितना ध्यान से रहता है। तो ये विद्यार्थी से ये रहता है कि आप चाहे सोते रहें चाहे जागते रहें उससे नहीं, आप चाहे खेलते रहें चाहे आप कहीं शादी ब्याह में आप जाते रहें, कहीं पर भी आप खेत में काम करते रहें, तो उसका ध्यान हमेशा रहता है उस चीज़ पर कि जो वो करने आया है। आप खेत में जाएंगे तो आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलती है कि कैसी फसलें होती है, कैसा क्या होता है, तो उन हर प्रकार की अलग अलग क्षेत्र में आपको मिलती है। काक चेष्टो बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथेव च, इसके बाद में और भी है कि ग्रह त्यागी, सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि जैसे मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमारे गाँव के अंदर एक काफ़ी, इसे मैं बुरी दशा बोल सकता हूँ, इसमें कोई संकोच मुझे नहीं होगा, कि गाँव में जितनी भी बालिकाएँ हैं काफ़ी अच्छी है। हम जो गांव के लड़के भी, प्रधानाचार्य जी ने हमें बताया कि गांव के 20-30 या 40% बच्चे स्कूल नहीं जाते, और जो बालिकाएं हैं वो काफ़ी अच्छा योगदान देती है। मैं उनको खेलने के अंदर देखता हूं, तो मेरी छोटी बहन है रचना मीणा, और इनके साथ में काफ़ी छोटे भाई बहन हैं, मुझे अचंभा हुआ एकदम, मैं सोचा कि ये कैसे हो सकता है, गाँव 8 गोल्ड मेडल कैसे ले सकता है। तो वो सभी विद्यार्थी के 5 लक्षणों की वजह से हुआ ना, और उसके एक ग्रह त्यागी की, क्योंकि बालिकाओं को बाहर नहीं भेज पाते हैं। हमारे निवाय के अंदर भी काफ़ी अच्छा अभी महाविद्यालय भी बन चुका है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी जो शिक्षाएँ कक्षाएँ हैं वो संचालित हो रही है, आप वहाँ पे भेज सकते हैं। और यदि बात करें खेल के क्षेत्र में, तो वो आप SMS स्टेडियम जो जयपुर वाला है वहाँ पर निःशुल्क सभी को तैयारी करवाई जाती है, मैं वर्तमान में वहीं पर तैयारी कर रहा हूँ,
बॉक्सिंग की, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों, जो मैं एक छात्र है राहुल मीणा, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा खेलता है जूडो के अंदर। तो मैं ग्रामवासियों से ये निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं खेल के क्षेत्र में। यदि जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो आप वहाँ पे भेजें। जो विद्यार्थी गृह त्यागी हुआ कि आप घर छोड़ दें, जितना आप घर से दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि घर पर रहोगे तो आपको वही माहौल मिलेगा जो आप घर पर देखते आए हैं। तो आपको ये ज़रूरी है, माता पिता भी सभी ध्यान दें कि आप अपने बच्चों को घर से ज़रूर निकालें। और अल्प निंद्रा, लास्ट में जो इसके अंदर पांच लक्षणों में आपके बात आती है, क्योंकि बच्चे सुबह जाएंगे यहाँ से कॉपी के सो जाएंगे। भाई ये पांच लक्षणों में आप यदि विद्यार्थी हैं, आप अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं कि आप पांच लक्षणों वाले विद्यार्थी हैं, अपने आप को सच्चा विद्यार्थी मानते हैं, तो आप भाई आपको अल्प निंद्रा की आवश्यकता है। बच्चे यहाँ 8 से 9 घंटे की काफ़ी निंद्रा होती है, तो ये अल्प निंद्रा के अंदर आपके आता है। यदि आप इससे ज़्यादा निंद्रा लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये विद्यार्थी के पांच लक्षण। और एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मैं हमेशा उसको फॉलो करता हूँ, क्या है कि व्यक्ति हो चाहे विद्यार्थी हो, डरता क्यों है? ये सवाल सभी से, आप सभी अपने आप से पूछना, उसके बाद में मैं जो इसका जवाब दूंगा उस पर आप गौर कीजिएगा कि विद्यार्थी क्यों डरता है। चाहे विद्यार्थी हो चाहे किसान हो, वो डरेगा कि उसकी जो तैयारी है उसमें कमजोरी है तो वो डरेगा। अब कहीं ये सोचते हैं कि ये तो मेरे से डर रहा नहीं है, भाई कहीं गुरुजन ये सोचे कि बच्चा मेरे से डर रहा नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि बच्चा आपकी आपका जो सम्मान है वो नहीं करता है। यदि आपकी जो तैयारी है उसमें कमजोरी है तो आपको डरना पड़ेगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। यदि मैं भी कोई भी हो, यदि आप सही से हो, आपका जो क्या बोलते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको कोई बोलता है कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तो आप उसके साथ में सबूत रखिए, आप उसे ये बताइए, ये प्रूफ कीजिए कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ, और ये सही क्यों कर रहा हूँ और सही क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए। उसका पूरा आप परिणाम उसके सामने रखिए, तब वो मानेगा कि सही है। अब विद्यार्थी की यदि बात करें, आप सोचते होंगे कि मुझे गुरुजी से डर लगता है। हम भी पढ़ते थे तो हमें भागीरथ जी से काफ़ी डर लगता था, क्योंकि वो रोज़ाना हमें जो श्लोक होते थे वो पूछते थे, तो हम काफ़ी डरते थे क्योंकि हमें याद नहीं होता था। और जिस दिन याद होता था तो हम ये सोचते थे कि आज तो सर कहीं से भी पूछ ले, आज तो नहीं डरना है। तो यदि आप डरते हैं, अपनी लाइफ में कोई सा भी सेक्टर हो आप वहाँ पर डरते हैं, तो वो निश्चित है कि आपकी जो तैयारी है उसमें कमजोरी है। तो मेरी ये दो बातें आप महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि एक तो विद्यार्थी के पांच लक्षण वो हमेशा आपके अंदर होने चाहिए, और दूसरा कि आपको डरना नहीं है। यदि आप डरते हैं तो ये निश्चित है कि आपकी जो तैयारी है उसमें कमजोर है, ठीक है। यदि किसी से भी मेरे से खेल के सेक्टर में यदि आप बात करना चाहें तो मुझसे आप पूछ लेना, मैं आपको उसका सही से उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, और आपको खेल के सेक्टर में मैं ले जाने की पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।